हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के 22वें मैच की, जो कि आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो है देखने को मिलेगा। तो मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो लास्ट मैच हालांकि ये दिल्ली से जीत के आ रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे आप कह सकते हैं हाँ इन्होंने मैच जो है वो जीते। केकेआर की बात करते हैं तो लास्ट मैच जो है ये अपनी गलती से जो है वो हार के आ रहे हैं। हालांकि आप रन देखोगे तो 200 जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट रन जो है वो हैदराबाद ने बना दिए थे इनके खिलाफ, और जो कि चेस होना ऐसे भी जो है इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पर देखोगे तो दो अगर कोलकाता के पिच की मैं पहले ही आपको बात करता हूँ तो आपको बताया था कि वहाँ पे जो मैचेज है वो 200 से ऊपर जल्दी से चेज नहीं होते हैं। तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर 200 से ऊपर रन चला जाता है तो चेस करना जो है मुश्किल हो जाता है। और केकेआर जो है वो अब कह सकते हो कि अपनी गलती से, अपनी कैप्टनसी की गलती से थोड़ा बहुत जो उस गलती से जो उतना रन बनवा पाया, नहीं तो उतना रन जो है वो नहीं बनवा पाते अगर कोई एक समझदार सा जो है कैप्टन होता या फिर अच्छा सा जो है थोड़ा सा जो है इधर उधर बदलाव करते तो नहीं बना पाते। हालांकि जो भी था इनका परफॉर्मेंस जो है बैटिंग में जो ठीक ठाक देखने को मिला, तो परफॉर्मेंस जो है वो जरूर लेके आएंगे यहाँ पे। और अगर हमने बात कर दी मैच आपको संडे को यानी कि अप्रैल 16 को देखने को मिलेगा, और टाइमिंग जो होगा वो होगा 3:30, यानी कि ये जो होगा पहला मैच होगा संडे का जो डबल हेडर होगा उसका। और ये आपको वेन्यू देखने को मिलेगा मुंबई में यानी कि वानखेड़े में, और ये जो है आपको मुंबई यानी कि मुंबई इंडियंस का जो है ये होम ग्राउंड है। तो यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं, डिटेल्स में चर्चा करते हैं क्या क्या बदलाव दोनों टीमें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो तो सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप सारे जो भी वीडियो आते हैं वो देखते रहो। इसके अलावा जो आप विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे प्रॉफिट नहीं उठा रहे हो तो जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे जो है कल रात को भी और उससे पहले सारे मैचों में जो है बहुत सारे लोग प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉफिट उठा सकते हो। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि कॉल पर सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और साथ में आप टीम इलेवन टीम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो टीम इलेवन टीम के लिए, और स्क्वाडिंग इलेवन सर्च करके टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक मिल जाएगा जहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो देखो वानखेड़े की अगर हम लोग पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो है आपको पता होगा कि ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच है। इंटरनेशनल मैच में देखोगे तो यहाँ पे 190 का जो एवरेज है, फ्लैट पिच मिलता है, स्मॉल बाउंड्री मिलता है, और एक जो है वो ओशियनिक कंडीशन मिलता है जिसके चलते वेदर हमेशा एक जैसे रहता है, पीछे जो है वो टूटती नहीं है और बैटिंग करना बहुत ही फेवरेबल हो जाता है। इतनी सारी चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग लास्ट के कुछ मैचेज में देखते हैं, रिसेंट के कुछ मैचेज में, तो ऐसा नहीं है कि ये ग्राउंड जो है बैटिंग फ्रेंडली हमने बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग जो है मैचेज देखे। पहले इस ग्राउंड पे फास्ट बॉलर को थोड़ा बहुत मदद मिलता था और स्पिनर को बिल्कुल मदद नहीं मिलता था, लेकिन अभी रिसेंट में हमने कुछ मैचेज देखे हैं जहाँ पे ये देखने को मिला कि स्पिनर को भी जो है वो मदद मिल रहा है इस ग्राउंड पे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो है हमें काफ़ी जो है वो सावधानीपूर्वक जो है वो अब हमें टीमें जो है वो सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पे, और एक बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेज जो है हमें डिपेंड नहीं करना है कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो रन बन सकता है लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ग्राउंड पे 170-180 के आसपास जो है वो रन बनते हुए नजर आ सकता है। लास्ट मैच भी आप देखोगे जो चेन्नई के यहाँ पे मैच था, चेन्नई जो जीता था मैच, उसमें भी देखोगे तो आप एवरेज रन जो है वो परफॉर्म किया था वहाँ पर मुंबई ने, बहुत ही एक हाई स्कोरिंग मैच जो नहीं हुआ था, और फास्टर और स्पिनर दोनों को हमने देखा काफ़ी इफेक्टिव जो है वो प्ले कर रहे थे। तब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो बैटिंग में जो है वो ऑन एवरेज आप ले लो कि 170-160 के आसपास जो है यहाँ पे रन बन सकता है, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा 180 के आसपास के आप एक्सपेक्टेशन जो है वो ले लो इस ग्राउंड पे। अगर 180 के आसपास जो है एक्सपेक्टेशन होगा तो इसका मतलब बैट्समैन जो है वो जरूर कहीं ना कहीं चलेगा, तो वैसे ही टेक्निकल बैट्समैन जो है हमें चाहिए जो कि अच्छे फॉर्म में है, हम उनको जो है यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं बॉलर में तो बॉलर जो है वो काफ़ी जो अच्छे फॉर्म में है आप जरूर पिक करो, क्योंकि यहाँ बॉलर काफ़ी इंपैक्टफुल हो रहा है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर। स्पिनर को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा विकेट मिल रहा है, जो कि हमने देखा यहाँ पे जो लास्ट मैसेज हुआ था उसमें जडेजा को भी जो है वो 3 विकेट के आसपास मिल गया था। इसके अलावा बात करते हैं इस ग्राउंड पे तो आप देखोगे तो 105 मैचों में से जो डोमेस्टिक मैचेज हुए उनमें से 48 जो है फर्स्ट पर जीता है और 57 जो है वो सेकेंड बैट जीता है। तो एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा कि या तो फर्स्ट बैट ज़्यादा फेवरेबल है या सेकेंड बैट, देखोगे तो ऑन एवरेज दोनों जो है वो इक्वल स्कोर पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे डोमेस्टिक में तो ये जो है 170 के आसपास आ गया है, और हम लोग रन भी जो है वो इसी के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे इस ग्राउंड पे। इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे T20 में, तो अगर पैटर्न की बात करते हैं 150 से नीचे 26 स्कोर है, 150 से 17 बीच में 26 स्कोर है, और 170 से 90 बीच में देखोगे 33 स्कोर है, और मैंने आपको बोला भी जो एक्सपेक्टेशन एरिया है 170 के आसपास जो है आप अभी इस राउंड पे रख सकते हो, और 190 से ऊपर जो आपको 20 स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि टीम न्यूज़ क्या है, तो मुंबई की तरफ से जो है रोहित शर्मा लीड करने वाले हैं, और लास्ट मैच जो है ये दिल्ली से जीत के आ रहे हैं, तो उसी टीम के साथ जो खेलना चाहिए, क्योंकि टीम जो है काफ़ी परफेक्टली बैलेंस थी, और जोफ्रा जो है वो अभी भी अवेलेबल नहीं है आप सभी को पता होगा। इसके अलावा केकेआर की तरफ से बात करते हैं, केकेआर में जो है नीतीश राणा लीड करने वाले हैं, और कह सकते हैं कि हाँ पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं तो बहुत सारे फॉल्ट जरूर है कैप्टनसी में, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे धीरे धीरे जो है टाइम जाएगा धीरे धीरे सुधार होते रहेगा, लेकिन अभी के लिए जो है वो फॉल्ट है।
इसी में बात करते हैं तो लास्ट मैच में जैसे मैंने बोला था कि आपको भी जो है लॉकी फर्ग्यूसन को जो है चेंज करके टीम चौधरी खिला देने से यह था, अगर शायद ये वाला बदलाव कर सकते हो सकता है कि अगर एक और मैच जो है वो जीत के आ रहा होता, तो जो है ये बदलाव जो है आपको दिखाई दे रहा हो, मुझे भी दिखाई दे रहा है, आप सबको जो है दिखाई दे रहा होगा, ये जो है करना चाहिए। साथ में जो है आपको जेसन जो है होल्डर हैं जेसन रॉय जो है इनको जो है लेके आना चाहिए और सऊदी जो है ये भी प्लेइंग 11 में होने चाहिए। इसके अलावा जो है रसल जो है लास्ट मैच में हालांकि बॉलिंग में विकेट इनको जरूर मिला था, लेकिन लास्ट मैच में हम सब ने देखा होगा कि इनको जो है इंजरी हुआ था, तो उस इंजरी को जो है कितना सीरियस है, और ज़्यादातर चांसेस यही रहेगा कि जेसन रॉय इनकी जगह आएंगे और लकी फर्ग्यूसन की जगह टीम सऊदी, तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और टीमें जो है थोड़ी सी मजबूत होती हुई और ज़्यादा नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेइंग 11 में, तो प्लेइंग 11 में देख सकते हो आपकी अभी के लिए जो है जो मुंबई की प्लेइंग 11 है वो सेम है। अब इसे बात करते हैं कि फॉर्म में कौन है, तो देखोगे तो रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस लास्ट में जो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, ईशान किशन का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्रिस ग्रीन का हालांकि जो है किमी ने जो रोल जरूर देखने को मिला क्रिस ग्रीन का और टीम डेविड का, तो वैसे सीनरी में जो है आप इन पर लेके जा सकते हो। सूर्य कुमार यादव को जो है अभी भी फॉर्म जो है वो बहुत ही खराब है। इसके अलावा तिलक वर्मा की बात करते हैं तो इनका फॉर्म बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, बिल्कुल पिक कर लो। ऋतिक शौकीन का फॉर्म जो है वो ठीक है, रिले मेरदीत और जैसन बैराडो को आप कह सकते हो कि हाँ ओके है, पिंक चावला का फॉर्म जो है वो ठीक है और अरशाद खान को भी थोड़ा सा मार ज़्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा हम लोग केकेआर की बात करते हैं, केकेआर में जो है आपको गुरबाज का फॉर्म जो है वो पिछले एक दो मैच में देखा जरूर था, लेकिन लास्ट मैच आपको पता है गोल्डन डक थैंक के लिए। इसके अलावा एन जगदीशन का फॉर्म जो है वो ठीक है, राणा का फॉर्म ठीक है, रिंकू यादव का फॉर्म ठीक है, तो ऊपर से जो ये तीन है इन तीनों का फॉर्म जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, तो इस सीनरी में जो आपको तीनों को जो है लेके जा सकते हो। रसल रहेंगे तो बॉलिंग में अगर बॉलिंग करते हैं, जैसे अगर रहते तो मुझे ज़्यादा चांसेस है कि बॉलिंग ही फैलाएंगे नहीं, पर अगर बॉलिंग करते हैं तो बेनिफिशियल है हमारे लिए, लेकिन अगर बैटिंग करते हैं तो बैटिंग के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है अभी के लिए। इसके अलावा नरेने का जो है बॉलिंग और नरेने सुबोस या और इसके अलावा जो है वरुण चक्रवर्ती, जो तीन कॉम्बिनेशन स्पिनर का ये जो है काफ़ी इंपैक्टफुल हो रहा है, तो आप इसको जो है लेके जा सकते हो। लकी फर्ग्यूसन को जो है एज ए हम लोग रिप्लेसमेंट इनका देखेंगे टीम सऊदी जो है वो आ सकते हैं, और उमेश यादव जो है वो आपको देखने मिल सकते हैं। सरदुल ठाकुर को जो है लास्ट मैच में बॉलिंग कराना चाहिए था, अगर इतना मार पड़ रहा है तो एक दो बार एक्स्ट्रा मार पड़ भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, तो कराना चाहिए था, लेकिन लास्ट में बॉलिंग जो है इन्होंने कराया नहीं, तो ये सीनरी से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी के लिए। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस हुआ वो कैसा रहा है, तो मुंबई के जो है तीन मैचों में आप देख सकते हो कि एक जो है पहला राजस्थान ये बंगलोर सारे थे, दूसरा जो है वो चेन्नई सारे थे और तीसरा जो है वो दिल्ली से जो है वो जीते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं केकेआर की, तो अगर हम लोग बात करते हैं केकेआर की, तो पहला जो है पंजाब से हारे थे, दूसरा जो है वो यहाँ पे बंगलोर से जीते थे, तीसरा जो है गुजरात से जीते थे और चौथा जो है वो हैदराबाद से जो है वो हार गए हैं 23 रन से, जो कि एक क्लोज कंपटीशन हो सकता था और शायद ये मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता था, जो इन्होंने थोड़े बहुत जो गलती की वो नहीं किए हुए। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हेड टू हेड जो कैसा रहा है दोनों टीमों, तो आप देखोगे 31 मैचों में से दोनों टीमों को 22 जो है मुंबई जीता है और सिर्फ 9 मैच जो है केकेआर जीता है, तो काफ़ी जो है वो इम्पैक्टफुल मुंबई रहा है प्रीवियस टाइम पे, लेकिन अभी के देखो रिसेंट के 6 मैच में, तो रिसेंट के 6 मैच में जो है आपको 3 मुंबई दिखाई देगा और 3 जो है आपको केकेआर जिताई देगा, तो अभी जो है केकेआर काफ़ी ऐसा टक्कर दे रहा है मुंबई को, लेकिन जो प्रीवियस था वहाँ पर मुंबई जो है काफ़ी डोमिनेट करता था केकेआर पे, तो इसका जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि टीम्स जो है वो कैसे सेलेक्ट करें, तो टीम्स में हम देखोगे तो एक टीम में हमने विकेट कीपर के तौर पे जो है ईशान किशन और गुरबाज का जो है ले रखा है, और एक पे जो हमने केवल ईशान किशन का जो है ले रखा है, और उसके अलावा अगर हम लोग बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पे जो हमने 5 बैट्समैन जो है पिक कर लिया, क्योंकि 5 जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में, अभी शर्मा का फॉर्म लास्ट मैच में आया था, इसके अलावा राणा का फॉर्म जो है वो लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया था, अय्यर का फॉर्म जो है हालांकि ये एज ए इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस अभी रहा है, रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बढ़िया है और तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इससे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको राणा को लिया है, इसके अलावा रिंकू को लिया है, तिलक वर्मा को लिया है और एक जो हमने जेसन रॉय को लिया है कि अगर जेसन रॉय प्लेइंग 11 में रहते हैं तो आप पिक कर लेना। इस अलावा हमें बात करें ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में एक तरफ जो हमने यहाँ पे नरेने को लिया है, एक तरफ जो है वो रसन को लिया है, और यहाँ पे देखेंगे एक तरफ रसन और क्रिस ग्रीन को जो हमने पिक किया है। चलिए बॉलिंग की बात करते हैं, यहाँ पर टीम सऊदी और हमने चक्रवर्ती को लिया है, यहाँ पर देखिए टीम सऊदी चक्रवर्ती पीयूष शर्मा और जैसन बैराडो को जो है वो पिक किया है, तो ये सीनरी जो है अभी के लिए जो है वो टीम है। इसके अलावा जो और भी टीमें चाहिए तो आप टेलीग्राम से जो जुड़ जाना स्क्वाडिंग 11 पे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अभी तक जो है आप विनर सेशन टीम में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हो, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है, और साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलना, कॉर्पोरेट रिसर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ड्रीम 11 के लिए आप स्क्वाडिंग 11 पे जुड़ सकते हो, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो होप से ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगा होगा, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा ना तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।